क्लोन रोल्स के बारे में बात करते हुए हमने देखा कि जॉन रोल्स मुख्य रूप से एक राजनीतिक विचारक है और उसने 1971 में जो पुस्तक प्रकाशित की, ए थियरी ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक है उसकी जो प्रकाशित हुई, और इस पुस्तक के प्रकाशन में उसने राजनीति विज्ञान की जो राजनीति दर्शन की शाखा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया। इसके पश्चात लगभग 20 वर्षों पश्चात उसने दूसरी पुस्तक अपनी प्रकाशित की है जो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, और तीसरी पुस्तक उसने जो प्रकाशित की 1999 में वो पुस्तक थी द लॉ ऑफ पीपल्स। इसके अलावा उसकी दो और पुस्तकें सामने आई हैं जो मुख्यतः उसके जो लेख हैं उनका कलेक्शन है, एक तो जस्टिस एज फेयरनेस और दूसरा है कलेक्टेड वॉल्यूम्स ऑफ जॉन रॉल्स। मुख्य रूप से जो तीन पुस्तकें हैं, ए थियरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और द लॉ ऑफ पीपल, ये तीनों एक श्रृंखला में है और इसके आधार पर उसका विचार एक व्यवस्थित ढंग से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जॉन रॉल्स के बारे में मानी जाती है वो ये है कि उसने बहुत वर्षों पश्चात एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया जो दार्शनिक स्तर पर उतनी ही क्लिष्ट या अमूर्त थी जितनी कि प्लेटो से लेकर के और कार्ल मार्क्स तक के विचारकों ने बनाई थी। यानी अमूर्तता का दर्शन का स्तर इतना अधिक था कि सबने निसंकोच ये स्वीकार किया कि जॉन रॉल्स ने पुनः राजनीतिक दर्शन को एक महत्वता प्रदान की है। 1971 में इसने जो पुस्तक लिखी उससे पूर्व अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि लगभग 70-80 वर्षों से और उससे भी पहले जो राजनीतिक दर्शन था उसमें जो राजनीति के प्रश्न थे वो महत्वपूर्ण नहीं रह गए थे, और ये माना गया था दर्शन के अंदर कि राजनीतिक दर्शन सिर्फ एथिक्स का एक छोटा सा हिस्सा है और उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, और जो राजनीति के बारे में बात कर रहे थे अगर वो थोड़ी बहुत अमूर्तता के स्तर पर बात करते तो उन्होंने तो अधिकतर वो विचारक महत्वपूर्ण बने जिन्होंने भाषा के प्रश्न को महत्व दिया। यानी राजनीतिक दर्शन में दर्शन के जो मूल तत्व हैं उसको महत्व कम दिया जाने लगा और भाषा को महत्व दिया जाने लगा, जिसमें हम सब लोग जानते हैं कि लॉजिकल एम्पिरिसिज्म जो सामने आया, बर्टन रसल है, विटिंगस्टाइन है वगैरह, ये जो दार्शनिक आए जिन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया, उन्होंने कहा कि सारा दर्शन मुख्य रूप से भाषा की संरचना का खेल है और इसलिए अगर राजनीतिक दर्शन भी हमें समझना है तो सिर्फ भाषा पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो तत्व राजनीतिक दर्शन को महत्वपूर्ण बनाते हैं, जो कि प्लेटो से लेकर मार्क्स तक बहुत महत्वपूर्ण थे, उन्हें इसमें महत्व नहीं दिया गया। इसलिए जब जॉन रॉल्स ने 1956-50 के दशक में अपना चिंतन आरंभ किया तो उसने इस बात पर बल दिया कि हमें भाषा के प्रश्न में नहीं उलझना है, हमें ये देखना है कि वास्तव में वो एसेंशियल एलिमेंट, वो तत्व कौन से हैं महत्वपूर्ण जो दर्शन को दर्शन बनाते हैं। और उसने पाया कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें तो वह नैतिकता का प्रश्न है, इसलिए नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर राजनीतिक दर्शन का चिंतन किया जाना चाहिए। और इसलिए उसने कोशिश की कि राजनीतिक चिंतन में नैतिकता को प्रतिस्थापित करे, वो उसको स्थापित करे किसी प्रकार से और भाषा के प्रश्न को गैर महत्वपूर्ण बना दे। इस बात को करने के लिए उसने जिस अवधारणा का उपयोग किया वह न्याय की अवधारणा है, और उसने कहा कि इस न्याय की अवधारणा के आधार पर हमें राजनीतिक दर्शन का निर्माण करना चाहिए। जो न्याय की अवधारणा है उसके आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए, और हम कह सकते हैं कि प्लेटो के पश्चात पहला ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसने न्याय को राजनीतिक चिंतन का आधार बनाने की वकालत की है लगभग 2000 वर्ष पश्चात, और बहुत सफलतापूर्वक उसने ये कार्य किया। इसके आधार पर उसने राजनीतिक दर्शन का आधार न्याय की अवधारणा को बनाया, और जिस न्याय की वो कल्पना करता है वह न्याय मुख्य रूप से समाज के अंतर्गत परिभाषित होता है, वह व्यक्तिगत न्याय नहीं है, वह कोई जिसे कह सकते हैं कि धार्मिक न्याय भी नहीं है, वह कोई व्यक्ति के स्तर पर न्याय की कल्पना ज़्यादा नहीं कर रहा, हालांकि उसने उसके बारे में बात की है, लेकिन मुख्य रूप से जब वो न्याय को परिभाषित करता है तो वह समाज के क्षेत्र में परिभाषित करता है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि उसने सामाजिक न्याय की अवधारणा को महत्व दिया है।
उसने न्याय की अवधारणा को महत्व क्यों दिया? और भी बहुत सी अवधारणाएं थी जिनके आधार पर राजनीतिक दर्शन का पुनर्निर्माण किया जा सकता था, लेकिन जॉन रॉल्स का ये मानना था कि वह न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है, और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध इस कारण से है क्योंकि उसने न्याय को परिभाषित बड़े अच्छे तरीके से किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा पढ़कर कि उसने न्याय को जिस प्रकार से परिभाषित किया है उसके अनुसार, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसके अनुसार न्याय सामाजिक सद्गुणों, सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, जैसे सत्य चिंतन का प्रथम सद्गुण है। जिस प्रकार से कोई सिद्धांत कितना ही अच्छा और आर्थिक रूप से कितना ही संभव प्रतीत हो, लेकिन उसे बदलना या अस्वीकृत करना आवश्यक है अगर वह असत्य है। इसी प्रकार से कानून और संस्थाओं को अगर वे अन्यायी हैं तो उन्हें संशोधित या समाप्त करना आवश्यक है, चाहे वे कितनी भी सक्षम और बढ़िया नजर आए। इस प्रकार से उसने ये माना है कि जिस प्रकार से चिंतन का आधार सत्य है, उसी प्रकार से सामाजिक संस्थाओं का आधार न्याय है। अगर कोई सामाजिक संस्था न्यायप्रिय नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। जैसे कोई चिंतन कितना भी लुभावना नजर आए लेकिन वो अगर असत्य पर आधारित है तो उस चिंतन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये उसकी, जिसे कह सकते हैं, चिंतन का आधार है। इस पर भी काफ़ी विवाद है क्योंकि कुछ जो आलोचक हैं उन्होंने कहा है कि न्याय के इतना महत्व देना अतिशयोक्तिपूर्ण है, और जैसे और दूसरे बहुत से विचारक हैं उन्होंने कहा कि जैसे माइकल सैंडल है फॉर इंस्टेंस, या जैसे और दूसरे रॉबर्ट नोजिक हैं, उन्होंने कहा कि आप न्याय को सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हो? उसमें वो कहते हैं कि जैसे रॉबर्ट नोजिक कहता है कि उसमें भ्रातृत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी समाज का सामाजिक संस्था है, कोई राज्य है, तो उसमें न्याय की अपेक्षा भ्रातृत्व की भावना या आधार ज़्यादा महत्व रखता है बनिस्पत न्याय के। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये स्वीकार न करें कि राजनीतिक की न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, तो हम रॉल्स की बात का आलोचना कर सकते हैं। लेकिन रॉल्स ने इस प्रस्तावना को अगर हम स्वीकार करते हैं कि न्याय वो आधार है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वह न्याय को किस प्रकार से परिभाषित करता है और कैसे अपने राजनीतिक दर्शन को आगे बढ़ाता है। उसने इसको स्वीकार करने के साथ साथ ये बताने का प्रयास किया कि जो ये न्याय की का बोध है, ये मालूम कैसे पड़ेगा कि कोई संस्था न्यायप्रिय है या नहीं? किसी संस्था के द्वारा या राज्य के द्वारा न्याय पर आधारित नीतियों का पालन किया जा रहा या नहीं किया जा रहा? तो उसकी मान्यता है, रॉल्स की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक न्याय का बोध होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में सेंस ऑफ जस्टिस विद्यमान है, और उसके आधार पर वह किसी भी निर्णय को जो उसको प्रभावित करता है यह कह सकता है कि वह न्यायप्रिय है या अन्यायपूर्ण है। ये बोध अमूर्त है, या हम कहें उसके तरह से अगर हम कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह ये मानता है जॉन रॉल्स कि व्यक्ति में ये क्षमता उसकी प्रकृति प्रदत्त क्षमता है। जैसे जॉन लॉक ने कहा था कि व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं जो प्राकृतिक हैं, स्वभाव में निहित हैं, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और प्रॉपर्टी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार वगैरह। उसी प्रकार से अगर रॉल्स के अनुसार हम मनुष्य की प्रकृति को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि रॉल्स मनुष्य की प्रकृति में न्याय के बोध को भी एक उसका हिस्सा मानता है। तो उसका कहना है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि व्यक्ति चाहे राज्य की अन्यायपूर्ण बातों को स्वीकार करता हो लेकिन वो मजबूरी में करता है, वो उसको न्यायपूर्ण नहीं मानेगा। जो न्यायपूर्ण है उसे वो मानेगा क्योंकि उसको न्याय का बोध उसकी उसकी प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए हमें ऐसे संस्थान, ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहिए जो कि मूल रूप से न्याय की अवधारणा पर आधारित हो। उसने फिर न्याय को परिभाषित किया कि न्याय फिर होता क्या है, तो उसने एक नई परिभाषा दी है जिस पर काफ़ी आगे बहुत बहस हुई है। उसने कहा है कि न्याय का अर्थ है जस्टिस एस फेयरनेस, न्याय उचितता के रूप में। ये जो परिभाषा दी गई है ये बिल्कुल नए प्रकार की परिभाषा है। उससे पहले अधिकतर जब न्याय की बात की जाती थी तो उसे या तो कानून का हिस्सा माना जाता था, या न्यायालय का हिस्सा माना जाता था, या नैतिकता के बहुत ही अमूर्त स्तर पर इसको परिभाषित किया जाता था। रॉल्स ने पहली बार इस अमूर्तता को और सरल बनाने की कोशिश की है
और एक एलिमेंट, एक तत्व के आधार पर इस न्याय को परिभाषित किया है। वो कहता है न्याय उचितता के रूप। इस परिभाषा के आधार पर उसने 1957 में एक लेख लिखा था जो उसको प्रकाशित हुआ था, और उसके पश्चात निरंतर वो इस पर लेख लिखता रहा। और 1971 में उसने ये पुस्तक लिखी, ए थियरी ऑफ जस्टिस, कि न्याय का सिद्धांत क्या है। तो उसको न्याय का सिद्धांत इस प्रकार से दिया है कि न्याय उचितता के रूप में है। न्याय सभी सामाजिक सद्गुणों का, सभी सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, इसलिए न्याय के बारे में हमें बात करनी चाहिए। ऐसे सामाजिक संस्था का निर्माण करना चाहिए जो न्याय पर आधारित हो, और न्याय वो न्याय उचितता के रूप में परिभाषित हो। उचितता के रूप में परिभाषित करने के लिए उसने दो सिद्धांतों की कल्पना की है कि अगर दो सिद्धांत न्याय में माने तो हम कहेंगे कि न्याय उचितता के रूप में परिभाषित हुआ है। यहाँ पर हम जानते हैं कि न्याय एक जस्टिस को जब परिभाषित करते हैं तो दो तरह की बातें भी सामने आती है, एक तो प्रक्रियात्मक न्याय और एक आता है कि सब्सटेंटिव जो न्याय है, यानी न्याय में तत्व क्या है और न्याय तक पहुँचते कैसे। जो साधारण भाषा में हम कहें तो ये कहते हैं कि न केवल न्याय करना आवश्यक है बल्कि ये बतलाना भी आवश्यक है कि न्याय सही प्रकार से किया गया है। इसलिए प्रक्रिया भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए और जो निर्णय है वह भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो इस पर ये विवाद उठा कि रॉल्स कौन से भाग को ज़्यादा महत्व देता है, क्या वह प्रक्रियात्मक न्याय की बात कर रहा है या वह मूल रूप से सब्सटेंटिव न्याय की बात कर रहा है, इन दोनों में से किसको महत्व दे रहा है। हम ये कह सकते हैं कि अगर जब हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में बात करेंगे रॉल्स के न्याय के बारे में, तो हम पाएंगे कि उसने दोनों को समान रूप से महत्व दिया है। वह न केवल न्याय को परिभाषित करता है, उसके दो सिद्धांतों को बतलाता है, अपितु उन सिद्धांतों तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसको भी न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। आज हम देखते हैं इसके आधार पर उसने दो सिद्धांत दिए, उन दो सिद्धांतों को उसने बताया और फिर उसने एक प्रक्रिया बताई जिसके आधार पर उन सिद्धांतों तक पहुंचा जा सकता है, और फिर उन सिद्धांतों के आधार पर एक राज्य का निर्माण होना चाहिए, तब वह एक न्यायपूर्ण राज्य होगा और वह एक आदर्श राज्य होगा। उस आदर्श राज्य की कल्पना उसने अपने पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में की है, और उसने जिस प्रकार से इसको बतलाया है वह एक इतना, जिसे कह सकते हैं कि तार्किक ढंग से इतना व्यवस्थित है कि हम कह सकते हैं कि उस पुस्तक के आधार पर कि उसने एक नए प्रकार के आदर्श राज्य की कल्पना की है। वो ये मानता है कि जो राज्य न्यायपूर्ण है वह आदर्श होगा, सत्यप्रिय भी होगा, एफिशिएंट भी होगा, सक्षम भी होगा, अच्छा भी होगा, सारे सद्गुण उस राज्य में निहित होंगे अगर राज्य न्याय पर आधारित है।